तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइस फाइनली आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए। आपकी दोस्तों न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है DRDO की तरफ से, भर्ती आ गई है। हाँ जी दोस्तों, सुना आपने, आपकी गाइस न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है स्टेनो असिस्टेंट फायरमैन। दोस्तों बहुत सारी आपकी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एक भाई, आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सैलरी आपकी कितनी इसमें होने वाली है, प्रमोशन आपका कब होता है, पोस्टिंग आपकी कहाँ पर आ सकती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या मांगते हैं, आपको दोस्तों प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए भाई हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलते हैं हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोस्तों आप जो देख पा रहे हो, ये फ्रेंड्स DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट है DRDO.gov.in। आपको दोस्तों अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले इस साइट के ऊपर आके अपना फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर पाओगे। आपका फॉर्म ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। तो भाई चलते हैं हम सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता भी होगा भाई, आपकी काफी अच्छी एजेंसी है DRDO जो कि डिफेंस के अंतर्गत आती है। रिक्वायरमेंट ऑफ 1061 वैकेंसीज फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर एडमिन एंड अलाइड के अंतर्गत पोस्ट आपकी यहाँ पे रिलीज की गई है। अगर दोस्तों बात करें इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, जो आपकी डेट है फॉर्म भरने की 7 नवंबर है। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में, 7 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे 5:00 PM तक, ठीक है। CBT जो भाई पेपर आपका इसमें होने वाला है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होगा आपका, ऑनलाइन पेपर होने वाला है, उसकी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो भाई कुछ टाइम बाद आपको डेट भी मिल जाएगी कि आपका पेपर आखिर कब होने वाला है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इस साइट अगर आप दोस्तों इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इजिबल हो। क्या सुना आपने, आप इंडिया में कहीं से भी हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ओके। आगे हम दोस्तों बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में। गाइस यहाँ पे देखिए, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पे लेवल 6 जॉब के बारे में। आपका जो भाई यहाँ पे कोड दिया गया है 0301 के बारे में, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO की पोस्ट है आपकी। आपके पास इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इंग्लिश एंड हिंदी से आपने की हुई हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इजिबल हो। जो आपकी भाई एज लिमिट है 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 से 30 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है ये। आगे हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वैकेंसीज का जो कोड है 0401 पोस्ट है आपकी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए यहाँ पे, बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 100 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए स्टेनो में, ध्यान दीजिएगा। और भाई जो ट्रांसलेशन टाइम मिलेगा 40 मिनट का मिलेगा, इंग्लिश में ओनली ऑन कंप्यूटर पर दिया जाएगा। और जो आपकी एज लिमिट है 18 से 30 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 30 से अपर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं पे लेवल 4th जॉब के बारे में। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 0501 आपका यहाँ पे पोस्ट कोड है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd की भी यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आप +2 पास हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लेकिन 80 वर्ड पर मिनट आपके भाई टाइपिंग स्पीड होना चाहिए स्टेनो में, एंड 50 मिनट यहाँ पे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे दिया गया है ट्रांसलेशन इंग्लिश में ओनली ऑन कंप्यूटर पे। जो आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी। देखिए दोस्तों, जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है उन सब में जो आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो ग्रुप सी की वैकेंसीज में। अगर आपको दोस्तों प्रॉपर तरीके से मेरी जानकारी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक तो बनता है। तो दोस्तों क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे हम दोस्तों बात करते हैं 0601 की जो भाई पोस्ट कोड आपका दिया गया है, ये भाई आपकी जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए की पोस्ट है। इसके लिए भाई आपके पास +2 पास आप होने चाहिए, साथ में आपको इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे आपसे मांगी गई है, 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। जबकि एज लिमिट है 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है ये, ठीक है। 0602 में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी, हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, साथ में +2 पास हो आप हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लेकिन 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। 0701 में भाई बात करूं मैं, स्टोर असिस्टेंट ए की पोस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, +2 पास आप हो एंड इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 35 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसीज है। स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग भाई आपसे मांगी गई है, +2 पास आप हो, हिंदी टाइपिंग आपको आती है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो 0702 में।
स्टोर असिस्टेंट ए की पोस्ट है आपकी, ध्यान दीजिएगा। प्लस टू पास आप हो, हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप आराम से कर सकते हो। आगे हम दोस्तों बात करते हैं 0801 में सेक्रेटरी असिस्टेंट ए में, अगर आप प्लस टू पास हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप ESM हो तो आपके पास भाई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जो भाई आपकी एज लिमिट 18-27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसीज है, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं 0901 के बारे में, व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट है। 10th पास आप हो तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो आप, एंड साथ में गाइज आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 and 3 व्हीकल्स एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स का, तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आगे हम दोस्तों बात करते हैं 1001 के बारे में, फायर इंजन ड्राइवर ए के बारे में। अगर आप 10th पास हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 and 3 व्हीकल्स एंड लाइट हैवी व्हीकल्स एंड नॉलेज ऑफ ट्रैफिक का आपको होना चाहिए। यहाँ पे बैटवीन आपकी जो एज लिमिट है 18-27 साल होनी चाहिए। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं फायरमैन के लिए, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th आपके पास गाइज 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस टू आप पास भी होने चाहिए साथ में यहाँ पे, एंड आपका भाई फिजिकल टेस्ट होने वाला है फायरमैन की पोस्ट में, ठीक है। जो आपकी एज लिमिट है 18-27 साल होनी चाहिए। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी चाहिए। गाइज देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो देख पा रहे हो पोस्ट कोड यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप जब आप भाई फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जब आप यहाँ पे पोस्ट के अनुसार अपना पोस्ट कोड डाल के ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और 7 नवंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पे JTO में जो कि पोस्ट है यहाँ पे 33 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में 215 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 123 पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए में 250 पोस्ट आपके जो कि भाई सबसे ज्यादा पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए में 12 पोस्ट है, यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट ए में 134 पोस्ट है। तो गाइज आप वीडियो को पॉज करके अपनी पोस्ट को देख लीजिएगा। व्हीकल ऑपरेटर ए में 145 पोस्ट है आपकी, फायर इंजन ड्राइवर ए में 1 पोस्ट है यहाँ पे, आई थिंक दोस्तों 18 पोस्ट है यहाँ पे आपकी वैकेंसी दी गई है। फायरमैन दोस्तों बात करूं मैं 86 आपकी टोटल पोस्ट है, तो भाई पोस्ट आपकी बहुत ही मस्त है। और भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया, फिर भी कुछ डाउट बचे आपका आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये दोस्तों चैनल आपका, आपको सपोर्ट करना, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और गाइज हम बात करें एग्जाम सेंटर के बारे में, भाई देखिए यहाँ पे ये दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, ये दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पे इन्होंने दर्शाए हैं, ठीक है। आप गाइज आराम से देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। रनिंग आपकी भाई 1600 मीटर आपको रेस करनी है, वहां पे 7 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये है सिर्फ ओनली फायरमैन पोस्ट के लिए, जो मेरे भाई बंधु पोस्ट फिलअप करेंगे फायरमैन की, ये सिर्फ फिजिकल उनका होगा यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 63.5 केजी आपको वजन उठा के दौड़ना है 183 मीटर तक 96 सेकंड में, ठीक है। 3 मीटर भाई आपको रस्सी चढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। 20 आपकी सीट यूपीएससी है यहाँ पे, क्लियरिंग 2.7 मीटर आपका वाइड डिच है, एंड लोडिंग ऑन बोथ फिट लॉन्ग जंप टू अचीव एनी 3 चांसेस, आपको 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे फ्रेंड्स देखिए बात करें फेमेल के बारे में, 800 मीटर आपकी रेस होने वाली है 5 मिनट में, और 63.5 केजी आपको वजन उठा के दौड़ना है 183 मीटर तक 96 सेकंड में, ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। 2.5 मीटर यहाँ पे आपका वर्टिकल क्लाइंबिंग आपको चढ़ना है ऊपर, यहाँ पे 15 आपके सीट यूपीएस है, एंड लॉन्ग जंप आपका 2.5 मीटर यहाँ पे मीटर्स होने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों आपका इसमें था फिजिकल टेस्ट के बारे में। अगर हम दोस्तों बात करें पीटी में, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की बात करूं 157 आपकी यहाँ पे हाइट मांगी गई है। चेस्ट आपकी 81 से 86 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला आपका जरूरी है। और फीमेल की यहाँ पे चेस्ट नोट एप्लीकेबल आपको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोस्ट फिलअप करेंगे 0301 के लिए, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 आएंगे, 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, 60 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। और जो आपके अदर पोस्ट है गाइस यहाँ पे देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 75 आएंगे, जिसमें आपके रीजनिंग यहाँ पे मैथ्स GK इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक। एंड गाइज आगे देखिए स्किल टेस्ट भाई आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर, आपको इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी देखिए डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे 0301 जिन्होंने पोस्ट डाली है उनका यहाँ पे होने वाला 200 मार्क्स का, 120 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो गाइज ये भाई आपका भर्ती का पैटर्न था। तो गाइज मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों जितनी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो गाइज सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं आपके।
तो फ्रेंड्स देखिए प्रमोशन इसमें आपका बहुत ही मस्त प्रमोशन है। आपका जो प्रमोशन है भाई 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन एक्सटेंड इसमें होता रहेगा। प्रमोशन की टेंशन आपको नहीं लेनी है। बात करें हम सैलरी के बारे में गाइस, देखिए जेटीओ की जो भाई आपका यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है आपकी, आपकी 50,000 प्लस सैलरी होने वाली जेटीओ में। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में भी आप जो सैलरी है दोस्तों यहाँ पे कम से कम 50,000 प्लस आपकी ग्रेड से यहाँ पे फर्स्ट में सैलरी होने वाली है, जो कि भाई आप देख रहे हो पोस्ट कोड 0301 में 0401 में, ठीक है इन दोनों में। आगे हम दोस्तों बात करते हैं लेवल 4 की जॉब के बारे में, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में, जबकि सैलरी गाइस 40,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में। आगे हम दोस्तों बात करते हैं पे लेवल 2 जॉब के बारे में, जो कि भाई आपकी बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। इन सब में गाइस आपकी जो वैकेंसीज में है भाई, जो कि इन सब पोस्ट में दोस्तों जो आपकी सैलरी है 32,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है गाइस। इन सब जो बाकी आपकी ट्रेड आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सब में फायरमैन है, स्टोर असिस्टेंट ए में, इन सब में जो भाई आपकी सैलरी है 32,000 प्लस रहने वाली है। मैंने भाई कुछ सैलरी आपको बता दी है, प्रमोशन के बारे में बता दिया, जो पोस्टिंग है दोस्तों आपकी ज्यादातर भाई आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में आने वाली है। तो गाइस थैंक यू सो मच, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपका मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपका फिर भी कुछ डाउट बचे आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये चैनल आपका, आपको सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप दोस्तों अब की बार DRDO में भर्ती होना चाहते हो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।